भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इस समय दुनिया के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि क्या धीरे धीरे अब भारत रसिया से अलग दूसरे देशों को अब अपना रक्षा साझेदार बनाना चाहता है, या यूं कहें कि भारत अब रूस से अपनी रक्षा जरूरतों की निर्भरता को कम कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक लगता है। पर ऐसा नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि भारत अपने हितों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यदि सस्ता तेल रसिया से खरीदने में भारत का हित है, तो अमेरिका से GE-414 जेट इंजन और MQ-9 ड्रोन भी भारत के लिए जरूरी है। ये अलग बात है कि जब भारत ने S-400 रूस से खरीदी थी, तब अमेरिका ने भारत और रसिया दोनों को धमकाया था। पर भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में काम नहीं करती, इसीलिए भारत ने अपने हित में फैसले लिए। पर सवाल ये उठता है कि जब S-400 के लिए अमेरिका विरोध करता है, वहीं खुद MQ-9 जैसे खतरनाक ड्रोन भारत को दे रहा है, इसको समझना आसान नहीं है। दरअसल इस समय दुनिया में मंदी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां पर मंदी का असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका का रक्षा उत्पादन का निर्यात निरंतर गिर रहा है। उसके खरीदार देश या तो मंदी की चपेट में हैं, या फिर सस्ते हथियारों के लिए चाइना का रुख कर रहे हैं। अमेरिका की रक्षा उत्पादन इकाइयां नए ऑर्डर के अभाव में बंद होने के कगार पर हैं। यहां तक कि अमेरिका अब अपनी जरूरतों का रक्षा उत्पादन भी नहीं कर पा रहा है। अपनी रक्षा उत्पादन इकाइयों को चालू रखने के लिए अमेरिका को कम से कम 10 वर्षों के नए ऑर्डर की जरूरत है, और ये ऑर्डर दुनिया में दो ही देश दे सकते हैं, भारत या चाइना, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसीलिए चाइना अमेरिका को कभी भी ये ऑर्डर नहीं देगा, और अमेरिका भी अपनी तकनीक चाइना को नहीं देना चाहता। अब बचा भारत। भारत अब तक अपनी रक्षा जरूरतें रूस से पूरी करता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान रसिया के हथियारों की कई खामियां उजागर हुई हैं। इन खामियों को चाइना भारत की कमजोरी के रूप में देख रहा है। भारत ने अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए अमेरिका से नई तकनीकी हथियार लेकर इस कमी को दूर करना चाहता है। इस समय अमेरिका और भारत दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत आन पड़ी है, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अमेरिका ने भारत की क्षमताओं को जान लिया है कि अब भारत की अनदेखी करना किसी भी देश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारत ने अकेले अपने दम पर उन प्रतिबंधों को बेअसर कर दिया है।